बिहार में इन दिनों शराब को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इससे भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी बीच वैशाली पहुंचे आरजेडी के एमएलसी ने शराब को लेकर बिहार की सियासत में लगी आग में घी डालने का काम कर दिया। आरजेडी नेता चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार में शराब भगवान की तरह है, जो दिखती कहीं नहीं लेकिन मिलती हर जगह है। क्योंकि अब शराब की बोतल कहीं ये सब कोई जान रहा है कि जैसे भगवान दिखते नहीं है लेकिन भगवान सब जगह है, इसी तरह से शराब ऐसी चीज बन गई है कि जो दिखता कहीं नहीं है। कम से कम ये तो भय है लोगों में कि शराब के वजह से जो चौक चौराहे पर गुंडागर्दी होती थी, व्यसन होते थे, ये होते थे, ये सबसे तो कम से कम राहत है। अब शराब लुके छुपे कोई पी रहा है, रिस्क दे करके, जेल जा करके, फाइन दे करके, दंड दे करके, वो तो चलते रहेगा। बिहार में मिथिला राज्य की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा राजधानी पटना में मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मिथिलावासी शामिल हुए। ये मार्च गांधी मैदान से शुरू होकर जेपी गोलंबर से होते हुए राजभवन के लिए निकला। इस बीच डाक बंगला के पास तैनात मैजिस्ट्रेट और सुरक्षा कर्मियों ने मार्च को रोक दिया, जिसके बाद मार्च में शामिल लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डाक बंगला पर ही प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को राजभवन में वार्ता के लिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। बिहार में जाति जनगणना को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। अब इस मामले में जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 7 जनवरी से बिहार में जाति सह आर्थिक गणना शुरू होगी। ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में मकान की गिनती होगी, दूसरे चरणों में जाति के साथ आर्थिक गणना होगी। हालांकि दूसरे चरण की गणना मार्च में शुरू की जाएगी। राज्य का क्राइम ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। बिहार के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जिस दिन कोई आपराधिक घटनाएं निकलकर सामने न आती हो। बिहार में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास गुट के प्रमुख चिराग पासवान 5 दिसंबर को बिहार बचाओ पदयात्रा निकालेंगे। इसकी जानकारी चिराग पासवान ने खुद एक वीडियो जारी करके दी है। चिराग पासवान अरवल में पैदल यात्रा निकालेंगे। बिहार के हरेक जिले में जिस तरीके से अपराध आज अपनी चरम सीमा पर है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अरवल में हम लोग को देखने को मिला, जहां दुष्कर्म का विरोध करने के मामले में जिस तरीके से माँ बेटी दोनों को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया, ये अपने में हैवानियत की परिकाष्ठा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूदा सरकार की कुनीतियों के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अरवल की सड़कों पर उतर के इनके खिलाफ विरोध मार्च निकालकर बिहार को बचाने का आह्वान करके मैं चाहता हूँ आप सब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को कल उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किडनी डोनेट करेंगी। रोहिणी लालू के 7 बेटियों और 2 बेटों में से दूसरे नंबर की बेटी है। फिलहाल रोहिणी सिंगापुर अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया से गुजर रही है। अस्पताल जाने से पहले रोहिणी ने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए एक पोस्ट जारी की और तस्वीर साझा कर लिखा कि हमने ईश्वर न देखा है, मगर ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। रोहिणी अपने पिता से बेहद लगाव और मोहब्बत रखती है। वहीं बीती रात लालू यादव को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षण के दौर से रोहिणी पहले ही गुजर चुकी हैं। उनके पति और ससुराल के परिजनों ने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर रोहिणी का साथ दिया है। ट्रांसप्लांट के लिए इन्हें आज देर रात भर्ती किया जाएगा। इन दिनों किसानों को रबी फसलों के लिए खाद की जरूरत है। खाद बिक्री केंद्रों और गोदामों पर दिन रात किसानों की भीड़ लगी रहती है ताकि किसानों को खाद मिल सके, लेकिन खाद की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पाता। कई बार किसानों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में कुछ व्यापारी खाद की कालाबाजारी कर किसानों को ऊंचे दामों पर खाद बेच रहे हैं और किसानों को मजबूरन खाद के उचित दामों से ज्यादा दामों में देकर खाद खरीदनी पड़ रही है। खाद और बीज की कालाबाजारी को लेकर पुलिस ने मधुबनी के लहेरियागंज के एक गोदाम पर छापेमारी की, जहां पुलिस ने हजारों बैग खाद और बीज जब्त किए। साथ ही रंजीत कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शादियों में शराब पार्टी की डिमांड खूब रहती है, लेकिन आप शादी की खुशी में बिहार में शराब पार्टी करते हैं तो मंडप की बजाय हवालात भी पहुंच सकते हैं। मामला समस्तीपुर का है, जहां दूल्हा अपने दोस्तों को पार्टी देने के चक्कर में हवालात पहुंच जाता है।
समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम निवासी कुंदन कुमार की शादी थी। कुंदन कोलकाता में नौकरी करते हैं। दोस्तों को पार्टी देने के लिए 3 बोतल शराब लेकर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, जहां GRPF के हाथे चढ़ गए। बिहार में इन दिनों शराबबंदी का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक ओर जहां विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के आदेश पर पुलिस प्रशासन शराब को लेकर सख्त रवैया अपना रहा है। जगह जगह से शराब तस्करों को पकड़ने की खबरें आती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ रहने वाले लोग ही शराब के नशे में पाए जाते हैं। मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां नगर थाना का निजी चालक शराब खोजने की बात कहकर शराब के नशे में आम लोगों के घर में घुस जाता है, जिसके बाद लोगों ने मिलकर नगर थाना निजी चालक की जमकर कुटाई कर दी। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। झारखंड के लोहरदगा में शनिवार की रात अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब नेशनल हाईवे 143A पर बिना ड्राइवर के कंटेनर करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। ये कंटेनर शहर के मैना बगीचा से होते हुए आ रहा था। इस दौरान कंटेनर ने विशाल पेड़ को टक्कर मार दी। पेड़ टूटकर कंटेनर में जा गिरा और इस बीच कंटेनर के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और जान बचाने के लिए कूद गया। इसके बाद भी कंटेनर कई पेड़ों, बिजली के खंभों और दुकानों की चपेट में लेता हुआ सड़क पर दौड़ता रहा। इससे कई लोग घायल हो गए और अफरा तफरी मच गई। कंटेनर पर 1 किलोमीटर तक चलते चलते पराटोली तक बिना ड्राइवर के ही पहुंचा। जब इसकी रफ्तार कुछ कम हुई तो स्थानीय युवक ने कंटेनर पर चढ़कर ब्रेक लगाकर इसे रोका। इससे एक बड़ा हादसा टल गया।